हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 20,000 के आसपास आने वाले कुछ बेस्ट एंड तगड़े गेमिंग फोन बताने वाला हूं। 20,000 का प्राइस पॉइंट एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जहां पर आपको बहुत सारे अच्छे स्मार्टफोन मिल जाते हैं, बट फिर भी अपने लिए एक बेस्ट गेमिंग फोन को चूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो हमने इस वीडियो के लिए काफी ज्यादा रिसर्च, रिव्यूज और एनालिसिस किया है, एंड देन उसके बेसिस पर चार सबसे तगड़े गेमिंग फोन को सेलेक्ट किया है जिसे आप 20,000 के अराउंड परचेज कर पाएंगे। लगभग आपको सभी में डेडिकेटेड कूलिंग सिस्टम मिल जाएगा जिससे आप लॉन्ग सेशन तक गेमिंग कर पाएंगे। तो गेमिंग परफॉर्मेंस तो टॉप क्लास की मिल ही जाएगी इन चारों स्मार्टफोन में। इसके अलावा बाकी के फीचर्स भी बहुत ही तगड़े मिल जाते हैं। तो मैं आपको इन चारों स्मार्टफोन के डिटेल स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ विद प्रोज एंड कॉन्स। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। हमने इन चारों स्मार्टफोन को ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पर रैंकिंग किया हुआ है। सो हम शुरू करने वाले हैं लास्ट के नंबर से, नंबर 4 से। और नंबर 4 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है इसे आप 20,000 के नीचे फास्टेस्ट गेमिंग फोन भी कह सकते हैं। एट द सेम टाइम इसे आप ट्रू 5G फोन भी कह सकते हैं। तो इस फोन का नाम है Infinix Zero 5G। ये एक प्योर परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन है। चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन भी बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 8.7 mm की थिकनेस है एंड 199 ग्राम वेट है। तो थोड़ा सा ये फोन आपको भारी लग सकता है, बाकी ओवरऑल डिजाइन काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो ये फोन ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, मतलब दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और हाँ, ये फोन ड्यूल 5G सिम को सेम टाइम पर सपोर्ट करता है। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर भी दिए गए हैं जो कि DTS ट्यूनिंग के साथ आता है। बायोमेट्रिक के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। एंड्रॉइड 11 पर रन करता है ये फोन बेस्ड ऑन X10। सो पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा X क्लीन हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत ब्लोटवेयर मिल जाते हैं जिसे आप इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। खैर, बैटरी के बारे में बात करें तो ये फोन 5000 mAh बैटरी के साथ आता है और उसी को चार्ज करने के लिए 33 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है। लगभग एक घंटे के आसपास फुल चार्ज हो जाती है इस फोन की बैटरी और आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं जो कि इस फोन को वन ऑफ द फास्टेस्ट फोन बना देता है अंडर 20,000। ये फोन Dimensity 900 5G चिपसेट के साथ आता है जो कि 6 nm पर बना हुआ है, मतलब बैटरी कंजप्शन कम होगी। लगभग 4.5 लाख के आसपास अंततः स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि काफी अच्छा स्कोर है। इतना ही नहीं, ये फोन फ्लेक्सिबल स्टोरेज टाइप के साथ आता है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है और LPDDR5 टाइप का रैम भी दिया गया है। सो इन दोनों का कॉम्बो 20,000 के नीचे मिलना बहुत ही मुश्किल है जो कि Infinix ने इस फोन में दिया है। इसके साथ ही वेपर कूलिंग चैम्बर के साथ आता है, मतलब जल्दी से हीट भी नहीं होगा ये फोन। और Infinix की तरफ से इसमें आपको डार्लिंग का सपोर्ट मिल जाएगा जो कि एक गेमिंग मोड है, गेमिंग परफॉर्मेंस को और एनहेंस कर देता है, एंड अप टू 5GB तक वर्चुअली रैम बढ़ा पाएंगे। सो ओवरऑल ये एक प्योर परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन है। ये फोन 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, लगभग आपको सारी 5G बैंड्स का सपोर्ट मिल जाएगा इस फोन के अंदर। खैर, कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 48 MP का दिया गया है, सेकंड कैमरा 2 MP का दिया गया है जो कि मैक्रो फोटो के लिए आता है, और थर्ड कैमरा 13 MP का दिया गया है जो कि टेलीफोटो लेंस है। ये कैमरा 2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है और 30x डिजिटल जूम भी सपोर्ट करता है। सो अभी तक 20,000 के नीचे किसी भी फोन में हमें टेलीफोटो लेंस देखने को नहीं मिला है जो कि इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और 1080p में 30 और 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट में 16 MP का कैमरा दिया गया है जो कि पंच होल कटआउट के साथ आता है, और फ्रंट कैमरे से भी 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल आपको प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा अच्छा मिल जाएगा, हालांकि अभी भी कैमरे के अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, हो सकता है Infinix अपने अपडेट के थ्रू फिक्स कर दें। लास्टली डिस्प्ले के बारे में बात करें तो ये फोन 6.78 इंचेस की बड़ी सी डिस्प्ले के साथ आता है जो कि फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है, और हाँ, ये IPS पैनल है। 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है जो कि LPTS टेक्नोलॉजी के साथ आता है, इसे आप एडेप्टिव रिफ्रेश रेट भी कह सकते हो। 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है और 500 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है। सो थोड़ा सा और ब्राइटनेस होना चाहिए था। NEG ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है जिसे आप कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 इतना मान सकते हो। डिस्प्ले आपको एवरेज टाइप का मिल जाएगा, नॉट द बेस्ट नॉट द वर्स्ट। प्राइसिंग की बात करें तो ये फोन एक ही स्टोरेज टाइप के साथ आता है, 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ, जिसके लिए आपको 20,000 रुपये पे करने होंगे। 1,000 से 500 रुपये तक का बैंक ऑफर आपको मिल जाएगा, वो आप जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। सो अगर हम इस फोन के फाइनल कंक्लूजन पर आए तो अगर आपको एक प्योरली परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए अंडर 20,000, सो फिलहाल के समय पर ये फोन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट फोन है।
कैमरा सेटअप भी आपको प्राइस रेंज के हिसाब से एवरेज टाइप का मिल जाएगा। डिस्प्ले भी ठीक ठाक है। बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड से बिल्कुल भी इशू नहीं मिलने वाली है। बस कुछ कमी है, जैसे कि अल्ट्रा वाइड कैमरा होना चाहिए था। कैमरे के अंदर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर के स्मार्टफोन के बारे में। और नंबर 3 पर जो स्मार्टफोन है, इसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस तो अच्छी मिल ही जाएगी, लेकिन इसके अलावा इस फोन में आपको डिस्प्ले बहुत ही अमेजिंग मिल जाती है। तो इस फोन का नाम है Xiaomi 11i 5G। वैसे तो ये फोन 24 से 25000 के आसपास आता है, लेकिन फिलहाल इस फोन पर आपको मिलेगा 4000 रुपए का UPI कैशबैक ऑफर, और बैंक ऑफर मिलाकर 20000 के आसपास मिल जाएगा। और 20000 के आसपास ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। खैर, चलिए डिटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। सो ये फोन ग्लास बैक के साथ आता है, हालांकि जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का ही है। 8.3 mm थिकनेस के साथ आता है, मतलब ज्यादा मोटा नहीं है फोन। एंड 207 ग्राम वेट है, तो वेट थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा हैवी आपको फील होगा। IP53 रेटेड है, तो थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है तो कोई इशू नहीं आएगा। ओवरऑल डिजाइन काफी अच्छा है, फ्लैट और बॉक्सी सा डिजाइन दिया गया है। इसके साथ ही कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएंगे। हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, मतलब दो सिम या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं सेम टाइम पर। Xiaomi का फोन है तो आयर ब्लास्टर आपको मिल जाएगा। बायोमेट्रिक के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। ये फोन एंड्रॉइड 11 पर रन करता है, बेस्ड ऑन MIUI 12.5। जल्दी आपको MIUI 13 का अपडेट मिल जाएगा। सो अब बात करते हैं इस फोन के कुछ मेन फीचर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट से। तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि सैमसंग का सेंसर है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए आता है। और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, जो कि मैक्रो फोटो के लिए काम आता है। रियर कैमरे से 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि पंच होल कटआउट के साथ आता है। और फ्रंट कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा है तो आपको कैमरा अलग ही लेवल का मिलेगा, कैमरा आपको डिसेंट टाइप का मिलने वाला है। वैसे अगर आपको कैमरा फोन चाहिए तो शायद आने वाले स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। बैटरी के बारे में बात करें तो ये फोन 5160 mAh बैटरी के साथ आता है, और उसी को चार्ज करने के लिए 67W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है। 30 से 35 मिनट लग जाते हैं बैटरी को फुल चार्ज होने में, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा भी लग जाए। वैसे अगर आपको 120W फास्ट चार्जर वाला फ़ोन चाहिए तो आप Xiaomi 11i हाइपर चार्ज को परचेज कर सकते हैं। फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही है, बस 120W का चार्जर का सपोर्ट दिया गया है हाइपर चार्ज में, जिसके लिए आपको 2 से 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। खैर, चलिए बात करते हैं Xiaomi 11i में हमें परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल जाता है। तो ये फोन Dimensity 920 5G चिपसेट के साथ आता है, जो कि 6nm पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है। लगभग 5 लाख के आसपास अंततः स्कोर देखने को मिल जाते हैं, जो कि अच्छा स्कोर है। UFS 2.2 का स्टोरेज है और LPDDR4X वाला रैम लगा हुआ है। 8 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है और 3GB तक वर्चुअली रैम बढ़ा पाएंगे, तो परफॉर्मेंस आपको ज्यादा इशू नहीं मिलने वाली है। आराम से आप हाई लेवल की गेमिंग कर सकते हैं, बस MIUI की वजह से थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस में लैगिंग फील होती है। लास्टली अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें, जो कि इस फोन का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है, सो ये फोन 6.67 inches की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। और ये 10-bit वाला डिस्प्ले है तो कलर्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं। 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है। 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाएगी आपको गेमिंग के लिए। 1200 nits की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया है, जिससे इस फोन का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, चाहे आप आउटडोर में यूज करो। ऑल्सो SDR10 सर्टिफाइड है, मतलब कॉन्टेंट वॉचिंग के लिए बेस्ट रहेगा ये फोन। एंड डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, तो डिस्प्ले में कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई है। प्राइसिंग की बात करें तो 6128 के लिए 25,000 रुपये पे करने होंगे और 8128 के लिए 27,000 रुपये पे करने होंगे। फिलहाल इस फोन पर आपको मिलेगा 4,000 रुपये का इंस्टेंटली UPI कैशबैक ऑफर, सो इफेक्टिवली 20 से 21 हज़ार के आसपास मिल जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट पर फुली रिकमेंडेड है फोन आपके लिए। ओवरऑल काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, हाँ कुछ चीज़ों के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। तो ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। वैसे हमने इन सभी स्मार्टफोन के बेस्ट वाला लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना फॉर द लेटेस्ट प्राइस। बात करते हैं अपने सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में, और ये जो फोन है फुल्ली डेडिकेटेड है गेमर्स के लिए। तो इस फोन का नाम है Realme 9 SC 5G। इस फोन में आपको मिल जाएगा 144Hz वाली डिस्प्ले, Snapdragon 778G का 5G प्रोसेसर, और भी बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। सो अगेन ये फोन भी पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ ही आता है। प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 8.5 mm की थिकनेस है एंड 199 ग्राम वेट है। सो वेट और थिकनेस ठीक ठाक है। इस फोन का भी बैक पैनल रिफ्लेक्ट होता है।
इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं सेम टाइम पर। सिंगल मोनो स्पीकर के साथ आता है जो कि लाउड है। हाँ, स्टीरियो स्पीकर होना चाहिए था। बायोमेट्रिक के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। एंड्रॉइड 11 पर रन करता है बेस्ड ऑन रियलमी यूआई 2.0। वैसे एंड्रॉइड 12 के साथ आना चाहिए था ये फोन। हाँ, दो इयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगे आपको। कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें लगा हुआ है 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 30 वॉट का चार्जर दिया गया है। लगभग एक घंटे लग जाते हैं बैटरी को फुल चार्ज होने में और एक दिन का बैटरी बैकअप ये फोन भी आपको आराम से दे देगा। अगर हम इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करें जो कि इस फोन का मेन हाईलाइटिंग पार्ट है, तो ये फोन 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले के साथ आता है। फर्स्ट टाइम 20,000 के नीचे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है और ये काफी कमाल की बात हो जाती है। 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है। एचडीआर 10 सर्टिफाइड है। 600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। डिस्प्ले के ऊपर किस टाइप का प्रोटेक्शन दिया गया है ये कहीं भी मेंशन नहीं है। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अमेजिंग है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फोन स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट के साथ आता है। 25,000 के नीचे काफी सारे स्मार्टफोन में हमने इस चिपसेट को देखा है। 6 nm पर बना हुआ है, पावर एफिशिएंट है। 5 लाख से ऊपर अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि काफी अच्छा स्कोर है। LPDDR4X का रैम दिया गया है। इसके साथ ही UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप है। वर्चुअली 5 GB तक रैम बढ़ा पाएंगे, सो परफॉर्मेंस में कहीं से भी इशू नहीं मिलने वाली है। कुछ गेमिंग फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन से भी आप 60 FPS में कंटिन्यूस गेमिंग कर पाएंगे और जल्दी से हीट भी नहीं होता है। हाँ, अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा यूज करते हो तो थोड़ी बहुत हीटिंग इशू देखने को मिल सकती है। ये फोन सिर्फ 5 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। लास्टली कैमरा के बारे में बात करें तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए आता है और थर्ड कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए आता है। रियर कैमरे से 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और 1080p में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और फ्रंट कैमरे से 1080p में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इस फोन का। प्राइसिंग की बात करें तो 6128 के लिए 20,000 रुपये पे करने होंगे और 8128 के लिए 23,000 रुपये पे करने होंगे। लेकिन अभी इस फोन को परचेज करते हो तो 2,000 रुपये का इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा HDFC के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर। तो बेस वेरियंट जिसका प्राइस 20,000 के आसपास है, बैंक ऑफर मिलाकर 18,000 के आसपास मिल जाएगा। बाकी ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं अपने लास्ट स्मार्टफोन के बारे में और नंबर 1 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये एक मॉन्स्टर गेमिंग फोन है एंड अराउंड 20,000 के आसपास ये फोन भी आपको मिल जाएगा। सो इस फोन का नाम है IQ G5 5G। रिसेंटली IQ G6 Pro 5G भी लॉन्च हो गया है, बट अगर आप गेमर हो तो IQ G5 5G फार बेटर है IQ G6 Pro 5G से। दैट्स वाई हमने इस वीडियो के अंदर IQ G5 5G को रखा है। सो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है। प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, बट दिखने में ये फोन भी काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं 8.5 mm की थिकनेस है एंड 193 ग्राम वेट है। ओवरऑल आपको डिजाइन अच्छा मिल जाएगा। इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। इसमें आपको 3.5 mm का जैक भी मिल जाएगा और ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है। 2 सिम कार्ड लगा पाएंगे, SD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। ये फोन एंड्रॉइड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन फ्रंट टच OS 12। 2 इयर्स तक आपको मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगे। कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है 5000 mAh की बड़ी बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 44 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। अराउंड 1 आवर लग जाते हैं बैटरी को फुल चार्ज होने में और एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है वही स्नैपड्रैगन 778G का 5G चिपसेट जो कि बहुत ही अच्छा चिपसेट है, स्टेबल परफॉर्मेंस देता है। 6 nm पर बना हुआ है तो पावर एफिशिएंट है। 5,70,000 के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है। LPDDR5 वाला रैम मिलता है और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। 3 GB तक वर्चुअली रैम बढ़ा पाएंगे और ये फोन सिर्फ 2 ही 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो 5G बैंड्स थोड़े से कम मिलेंगे। लेकिन 5G को लेकर इतना ज्यादा टेंशन मत लो, अभी भी काफी टाइम लगेगा 5G नेटवर्क को आने में। तो परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन बेस्ट है, कहीं से भी आपको लैग और जिटरिंग इशू नहीं मिलेगा। कुछ गेमिंग फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन से आप कॉन्स्टेंटली 60 FPS तक गेम प्ले कर पाएंगे। 5-layer कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है तो जल्दी से हीट नहीं होता ये फोन। बाकी फ्लेक्सिबल स्टोरेज टाइप और रैम टाइप तो दिया ही गया है जिससे परफॉर्मेंस और एनहेंस हो जाती है। इसके साथ ही अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है 6.67 इंचेस की
फुल एच डी प्लस IPS डिस्प्ले। और वैसे भी इस फोन का एक ही मेजर ड्रॉबैक है जो कि है इस फोन का डिस्प्ले। अगर एमोलेड होता तो शायद ये 25,000 के नीचे सबसे बेस्ट फोन होता अभी भी। लेकिन इस फोन का IPS डिस्प्ले भी काफी अच्छा है। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है, 650 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है जो कि IPS डिस्प्ले के हिसाब से ठीक ठाक ब्राइटनेस है। डिस्प्ले के ऊपर पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। बात करें कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में जो कि कैमरा अच्छा है इस फोन का। इस फोन में आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा, प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का है जो कि सैमसंग का GW3 सेंसर है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। रियर कैमरे से आप 4K में 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस तो अच्छा मिल ही जाएगा, साथ में इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। वहीं फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और फ्रंट कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग कैमरा से आपको निराशा नहीं होगी। प्राइस के बारे में बात करें तो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 24,000 रुपीज है, जिस पर आपको 2,000 रुपए का कूपन मिल जाएगा जिसे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और 2,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा इन तीनों ही बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर। तो इफेक्टिवली बेस वेरिएंट आपको 20,000 का अराउंड मिल जाएगा, और इस प्राइस पॉइंट पर सबसे तगड़ा गेमिंग फोन है ये। अगर आप गेमर्स हो तो डेफिनेटली इस फोन को परचेज कर सकते हो। हाँ, कुछ चीजों के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। तो ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं।